खाकी वर्दी में जिस महिला पुलिसकर्मी को अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भिवानी के बवानी खेड़ी पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। अब आप इस तस्वीर को देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर एक पुलिसकर्मी को किसी आरोपी या अपराधी की तरह क्यों पकड़ कर रखा गया है। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस महिला सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इनके पास से कुछ पैसों की भी रिकवरी की गई है। भवानीखेड़ा पुलिस थाने में एक महिला का केस चल रहा था जिसमें कुछ पैसे की रिकवरी करनी थी और आरोप है कि इसी रिकवरी के एवज में वहां तैनात इस मामले की जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर मुन्नी देवी ने रिश्वत के तौर पर 5,000 रुपए की मांग की, जिसकी शिकायत उस महिला ने हिसार के विजिलेंस टीम को दी। उस महिला के शिकायत के आधार पर हिसार और भिवानी विजिलेंस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की, जिसमें सब इंस्पेक्टर मुन्नी देवी को भवानी लघु सचिवालय के पास 5,000 रुपए रिश्वत लेते धर दबोचा। महिला सब इंस्पेक्टर को दबोचने के तकरीबन 3 घंटे बाद विजिलेंस टीम के अधिकारी मीडिया के सामने आए। विजिलेंस टीम के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि भवानीखेड़ा पुलिस थाने में रिकवरी के मामले में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर मुन्नी देवी की ओर से रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी, जिस पर हिसार और भिवानी विजिलेंस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर मुन्नी देवी को 5,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आज एक शिकायत मिली थी जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि भाई एक मुन्नी नाम के सब इंस्पेक्टर है जो रिश्वत के पैसे मांग रही है, जिसको पूरी टीम तैयार की गई और टीम तैयार करने के बाद रेड की गई। रेड करने के बाद मुन्नी सब इंस्पेक्टर से 5,000 रुपए रिकवर किए गए। कितने रुपए की डिमांड की गई थी, मांग की गई थी? और 5,000 रुपए ही रिकवर हुए हैं और लेडीज की पैंट से ही रिकवर। किस मामले में ऐसा है? ये एक रजनी नाम की लड़की थी जिसका कोई पर्चा दर्ज था 346 का भवानीखेड़ा थाने में। उसकी रिकवरी को लेकर कोई मामला था जिसके कारण जो कृष्ण नाम का जो एक्यूज बनाया गया था उसी से ही रिश्वत की डिमांड की गई थी। ये महिला ऐसा ही कहाँ पर क्या करियर थी? फिलहाल भवानीखेड़ा थाने में थी, बता रही हूँ। तो हिसार विजिलेंस टीम के द्वारा रेड की गई मामले में या भिवानी ये रेड इकट्ठी हुई थी यहाँ पे? फिलहाल क्या कार्रवाई में चला है? अभी गिरफ्तार किया गया है मुन्नी को, उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स है वो अमल में लाई जा रही है। पहले भी कोई ऐसा मामला था जैसे मुन्नी पे? नहीं, अभी तक कोई आया नहीं है, पूछताछ जारी है। आपका क्या नाम सर? मेरा विजय। बहरहाल विजिलेंस की टीम अभी सब इंस्पेक्टर से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में इस मामले से जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। भिवानी से जगबीर धनघस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।